शरीर में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब थायराइड की बीमारी होती है। थायराइड ग्लैंड शरीर में आयोडीन की मदद से हार्मोन बनाते हैं। खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान के कारण ये बीमारी ज्यादा लोगों में आजकल देखने को मिल रही है। दो तरह की होती है थायराइड की बीमारी, एक हाइपोथायराइडिज्म और दूसरी हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड की बीमारी में खान पान और लाइफस्टाइल का खास ध्यान रखने की जरूरत है। थायराइड के मरीज अक्सर खान पान को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में सर्दियों का मौसम आ रहा है और ज्यादातर लोग सर्दियों के मौसम में मूंगफली खाना पसंद करते हैं, पर क्या थायराइड में मूंगफली खानी चाहिए या नहीं, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका। थायराइड की बीमारी में एक सीमित मात्रा में मूंगफली खानी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज हद से ज्यादा खाना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, मूंगफली प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जो थायराइड के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही मूंगफली में पोटेशियम, आयरन, जिंक, विटामिन ई समेत कई तरह के फैटी एसिड पाए जाते हैं। थायराइड में ग्लूटेन, फैटी फूड, शुगर और प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल और कॉफी आदि खाने या पीने से बचना चाहिए। थायराइड के मरीजों को रोजाना आयोडीन की अच्छी मात्रा, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाने की भी सलाह दी जाती है। इस बीमारी में किसी भी तरह के अनहेल्दी फूड आइटम से खाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि वजन बढ़ने के साथ दिक्कतें होने लगती हैं। यानी कि देखा जाए तो आप थायराइड की बीमारी में सीमित मात्रा में मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।